माता त्रिशला के गर्भ को अभी कुछ 6.5 महीने हुए थे। तो भगवान महावीर स्वामी जो उनकी कुक्षी में थे, उन्होंने सोचा कि अरे मेरे हिलने डुलने से मेरी माता को परेशानी होती है, तो इसलिए उन्होंने अपनी माता को परेशानी से बचाने के लिए हिलना डुलना बंद कर दिया। अब जब उनकी कुक्षी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो माता त्रिशला ने यह सोचा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, जिसके कारण वे शोक में डूब गई। महल में जितने भी मंगल कार्य चल रहे थे वे बंद हो गए और सब बहुत ही शोक में थे। अपनी माता को इतने शोक में देखकर भगवान ने अपने हाथ की छोटी उंगली को हिलाकर अपनी प्रेजेंस जताई और उसके बाद उनकी माता फिर से खुश हो गई। भगवान ने सोचा कि मेरे माता पिता का मेरी तरफ कितना मोह है, तो जब मैं बाद में दीक्षा लूंगा तो इन्हें कितना दुख होगा। और तभी उन्होंने ये अभिग्रह किया कि जब तक उनके माता पिता जीवित रहेंगे वे उनकी सेवा करेंगे और वे दीक्षा नहीं लेंगे। 28 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी प्रभु के माता पिता का देवलोक गमन हो गया और उसके बाद अपने बड़े भाई राजा नंदीवर्धन के पास वे दीक्षा की आज्ञा लेने गए। लेकिन राजा नंदीवर्धन ने कहा कि भाई अभी तो हमारे माता पिता के मृत्यु का शोक भी खत्म नहीं हुआ है, अब तुम भी चले जाओगे तो मैं तो बिल्कुल शोक में डूब जाऊंगा, इसलिए तुम रुक जाओ। तो भगवान महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई के आग्रह का मान रखा और अगले 2 वर्ष तक दीक्षा नहीं ली। उसके बाद उन्होंने उन 2 वर्षों में सभी सचित वस्तुओं का त्याग कर दिया और केवल ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। इस पूरी घटना से हमें यह पता चलता है कि भगवान महावीर स्वामी जो थे वो अपने बड़ों का कितना आदर करते थे। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के बाद भी उन्हें अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई के प्रति कितना आदर सम्मान का भाव था और इसीलिए उन्हें किसी भी तरह का दुख ना हो उन्होंने हर वो कोशिश की। लेकिन आज की जेनरेशन, हम आजकल क्या कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स अक्सर ये चीज की कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते या हमें परेशान करते हैं या फिर हमें उल्टे जवाब देते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख भी होता है। ये सोचने लायक है कि हम आज की जेनरेशन कर क्या रहे हैं। हमें भगवान महावीर से सीख लेनी चाहिए और अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए। जय जिनेंद्र।